खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में, कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूछेंगे। वरना यहाँ इंसानियत की कीमत कम और उसके रुतबे की ज्यादा है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब तक पढ़ाई के लिए सीने में आग नहीं लगेगी तब तक आप अपनी मंजिल से कोसों दूर हैं। माना कि मंजिल बड़ी मुश्किल भरी है, आजमाइश बड़ी बड़ी राहों में खड़ी है। हौसला दिल में है कुछ कर दिखाने का, खून में आया उबाल ऐसा फिर न देखा दिन या रात है। कड़ी मेहनत जिंदगी में करनी है, सब कुछ हार बैठा ऐसी मेरी जिंदगी है। आया एक नया सवेरा मेरी राहों में, जिंदगी में मैंने जो कुछ मांगा वो सारी तमन्ना पूरी है। पढ़ लो आज ही वक्त है, कल कभी नहीं आता, जब भी आता है आज ही आता है। पछतावा करने के लिए कुछ छोड़ो मत, रोने के लिए कुछ छोड़ो मत, पढ़ लो यार आज ही वक्त है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो, जो जलेगा उसे के दिए में उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। पढ़ने के वक्त अपने दिमाग में कुछ आने मत देना, मोबाइल को स्विच ऑफ करके साइड में रख देना। जब भी नींद आएगा तो एक गिलास पानी पी लेना और अपने आँख को ताजे पानी से धो लेना, फिर से पढ़ने बैठ जाना। आज आलस्य के बस में हो जाओगे तो कल पक्का पछताओगे। और दुनिया के लोग पछतावा करने वालों को नहीं बल्कि हार्ड वर्क करके सफल हो जाने वाले लोगों को पहचानते हैं। खुद का मोटिवेटर खुद बनो। आप अपनी गलतियों को अच्छे से जानते हो और आप अपनी काबिलियत को अच्छे से पहचानते हो। सोचने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। टॉपर बनने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो खुद को बांध रखा है, खोल दे अपने दिमाग की खिड़कियाँ और याद कर अपने एम को, याद कर अपने सपनों को। ये सपना नहीं है, ये तेरी जिंदगी है। अपनी कहानी तो खुद ही लिखेगा, कोई दूसरा या तीसरा नहीं आने वाला है तेरी कहानी लिखने के लिए। पढ़ने से दिमाग खुलेगा, रास्ते दिखेंगे, जिंदगी में इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ मिलेगा इन किताबों के बदौलत। थोड़ा और थोड़ा करके अपने मन को बहलाते जाओ, हर हालात में तुम पढ़ते जाओ। हर एक घंटा में 5 मिनट का ब्रेक लो और फिर से पढ़ते जाओ। पढ़ाई करते वक्त अपने आसपास में सिर्फ जरूरत की चीजों को ही रखो, फालतू चीजों को साइड में रख दो। संघर्ष करते हुए मत घबराना दोस्त, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह तपना सीखो। पढ़ो पढ़ो खूब पढ़ो, मगर सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ी हुई बातों को याद भी रखना है, पढ़ी हुई बातों को अपनी जिंदगी में उतारना है। जब पढ़ी हुई बातें जीवन में उतरने लगे तब सफलता के आप करीब पहुंच जाएंगे। निरंतर अभ्यास करो। अगर अभ्यास से एक मंद बुद्धि बालक इस दुनिया का महान वैज्ञानिक बन सकता है, अगर एक मंद बुद्धि बालक इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है तो आप क्यों नहीं। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज इस वीडियो को हर स्टूडेंट के साथ, जो भी आपके दोस्त हैं रिलेशन में, उनके साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद जय भारत।